नमस्कार दोस्तों, अमरोहा के बावनखेड़ी की शबनम की मैं बात कर रही हूँ आज, जो इस समय फांसी के फंदे के काफी नजदीक पहुंच चुकी है। लोअर कोर्ट, अपर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। राष्ट्रपति शबनम की मर्सी पटिशन रिजेक्ट कर चुके हैं। एक नई याचिका प्रदेश के राज्यपाल के सामने फिर से रखी गई है बचाव के विकल्प के तौर पे। शबनम के बारे में देश सब कुछ जानना चाहता है। वो पहली महिला होगी जिसे आजाद भारत में फांसी दी जानी है। शबनम को फांसी के फंदे तक पहुंचाने और पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करने वाले जांच अधिकारी मिस्टर आरपी गुप्ता आज मेरे साथ हैं। जानते हैं उनसे शबनम से जुड़े हुए कुछ दिलचस्प लेकिन बहुत दिल दहलाने वाली जानकारियां। आरपी गुप्ता जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। जी मैडम, थैंक यू मैडम। जी, आपके रिटायरमेंट के कुछ ही साल पहले, लगभग 4 साल मैं समझ पा रही हूँ, केस आपके पास आता है जिस घर में 7 लाशें पड़ी हुई हैं खून से लथपथ, वहां आप कैसे इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने आप को तैयार कर पाते हैं? मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड में लेके जाना चाह रही हूँ। जी हसनपुर क्षेत्र में और गांव में आता है जी शबनम जी जो है और सलीम, इन दोनों जी में लव जी अफेयर्स हो गया था और शबनम जो है आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, डिस्टर्ब हो रही रह रही है। थी, तो वालों को जी तो नहीं मिनट वाली बात कि मैं सलीम जी के साथ शादी करूंगी। इस पर घर जी वालों ने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया शबनम से कि हमारा उनके साथ वाली शादी लग रहा है कि गुप्ता जी से हमारा संपर्क टूट गया है। फिर से मैं कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। जी अब आ रही मैडम, जी जी आ रही है। तो आपका इस पे फोटो नहीं आ रहा, वैसे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं, आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा ठीक है मैडम, तो ये जी जब उसके घर वालों ने शबनम से स्पष्ट मना कर दिया कि हम सलीम के साथ शादी नहीं करेंगे, तो घर वालों ने फिर शबनम को बहुत डांटा और उसका मोबाइल फोन वगैरह सब ले लिया उससे। अच्छा शबनम जो है डबल एम ए की इंग्लिश और साइकोलॉजी से वो डबल एम ए है, वो वहीं पे उसने शिक्षा मित्र थी, वहीं अपने गांव में बामनखेड़ी में स्कूल में वो शिक्षा मित्र थी। सलीम उसको जी मोटरसाइकिल से छोड़ने जाता था और करीब आधा आधा घंटा उससे वो टेलीफोन से बात करती थी। जब जी उसके घर वाले जो है बिल्कुल मना कर दिया, तो उसने फिर ये सोचा कि सलीम से बात करी उसने कि ऐसा करो, घर वाले तो राजी नहीं होंगे और मैं अगर तुम्हारे साथ भागती भी हूँ, चली जाती हूँ, तो फिर तुम भी पैसे से कमजोर हो और हम लोग कैसे गुजारा करेंगे। ऐसा करते ही कि घर वालों को पूरा को हत्या कर दी जाए तो हम लोग स्वतंत्र रूप से जाके पूरी संपत्ति के मालिक बन जाएंगे और हम जिंदगी में दोनों मिल करके ऐश करेंगे। तो इन्होंने वही योजना बनाई और योजना बनाने के बाद में इसका बड़ा भाई अनीश जो है वो चंडीगढ़ में इंजीनियर था और छोटा भाई राशिद वो मेरठ में एमबीए कर रहा था। ओके इसके पिता जो है शौकत अली, वो जो है इंटर कॉलेज में लेक्चरर थे, सरकारी जी इंटर कॉलेज में लेक्चरर थे। तो जब इसने देखा कि जब दोनों भाई गांव में आएंगे तभी हम इसको घटना को करेंगे, तो जब इसके 14 तारीख से 3 दिन पहले दोनों भाई गांव में आए और जब वो गांव में आ गए तो इसने और सलीम ने योजना बनाई कि अब दोनों भाई आ गए हैं, अब परिवार को पूरे को हम खत्म कर देंगे, तो कोई नहीं बचेगा, तो हम मालिक बन जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि
अनीस और राशिद दोनों भाइयों को वापस जाना था, तो ये लोग घर से चल दिए। जब गजरौला पहुंचे तो शबनम ने फिर टेलीफोन किया कि आज आप बन जाओ, आप वापिस आया, बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। तो उसकी रिक्वेस्ट करने पर दोनों भाई गजरौला से घर आ गए और योजना बना करके शबनम ने सलीम से कहा कि कोई नशीली चीज ला करके दो जिससे मैं पूरे परिवार को दे दूंगी और इसके बाद ये घटना को करेंगे। तो सलीम जो है पाकवाड़ा एक कस्बा है उसमें गया और वहां से 10 गोली बायपोज की नशीली उसने खरीदी और 14 तारीख को उसने जाकर के शबनम को दे दी। शबनम ने योजना के मुताबिक शाम को घर वालों ने जब खाना खा लिया तो 10 गोली उसने रैपर से निकाल करके दूध में डाल करके और घर वालों को पिला दी और खुद जो है उसने दूध नहीं पिया। इसके बाद रात में 1 बजे के करीब उसने इसके बाद उसने सलीम को बुलवाया कि अब तुम आ जाओ, सब घर वाले बेहोश होके लेटे हुए हैं। तो सलीम जो है घर से कुड़ाली लेकर के और शबनम के घर पे आ गया। तो सलीम ने कुल्हाड़ी लेकर ऊपर पहुंच गया और शबनम ने सभी का सिर पकड़ा और सलीम ने कुल्हाड़ी से गला 6 लोगों के गले काट दिए। उसमें एक इसकी शबनम के पिताजी शौकत अली, माँ हाशमी, बड़ा भाई अनीस, छोटा भाई राशिद और इसकी भाभी अंजुम, बुआ की लड़की रूबिया और इसका जो है शबनम का 11 महीने का भतीजा था उसका सलीम ने गला दबा कर दबा दिया। आराम से सबकी हत्या करने के बाद में सलीम कुल्हाड़ी लेकर के अपने घर चला गया। शबनम ने अंदर से झीने की कुंडी बंद कर ली। इसके बाद रात में घटना करने के बाद में शबनम ऊपर से चिल्लाई के गांव वाले, हो मेरे घर वालों को सबको मार दिया है, तुम जल्दी आओ, माल भी लूट के ले गए हैं। तो गांव के प्रधान वगैरह इसके घर पर गए तो झीने का दरवाजा बंद था। तो प्रधान को शक हुआ कि जब बदमाश लूट कर ले गए हैं और झीने के दरवाजे से गए हैं तो अंदर ये दरवाजा क्यों बंद है। तो दरवाजा प्रधान ने शबनम से खुलवाया। झीने का दरवाजा शबनम ने खोला और गांव के 5-6 लोग ऊपर गए। इन्होंने देखा कि सभी मृत हालत में अपने अपने चारपाई और बेडों पर लेटे हुए हैं। इसके बाद पुलिस को सूचना दी, घटना स्थल पर पुलिस पहुंची। मैं उस समय, ये क्षेत्र जो है थाना हसनपुर का पड़ता है, उस समय मैं थाना हसनपुर में तैनात नहीं था, मैं थाना कोतवाली में कोतवाल था, अमरोहा कोतवाली में। तो मेरे को भी अधिकारियों ने कॉल किया तो मैं भी उस गांव में घटना स्थल पर पहुंचा। तो मैंने सब जाकर के ऊपर देखा, फर्स्ट फ्लोर पर सभी डेड बॉडी में, अनीस की, अनीस है अलग कमरे में डबल बेड पर, उसकी वाइफ और उसका बेटा और खुद जो है मृत अवस्था में लेटे हुए थे। उसका छोटा भाई राशिद दूसरे कमरे में चारपाई पर मृत अवस्था में लेटा हुआ था। उसका बाप शौकत अली बरांडे में लेटा था। उसकी माँ हाशमी और उसकी बुआ की लड़की रूबिया वो अलग कमरे में अलग अलग चारपाई पर लेटी हुई थी और इसकी चारपाई जो है अपनी चारपाई को इसने खाली बताया। मैंने पूछा कि जब ये घटना हुई थी तो शबनम तुम कहाँ थी, तो शबनम ने बताया कि मुझे गर्मी लग रही थी, मैं ऊपर सोने के लिए छत पर चली गई थी। तो मैंने उससे कहा कि तुम फिर रात में 1-1.5 बजे क्यों आई। तो उसने मुझे जवाब दिया कि बारिश की बूंदाबांदी हुई थी इसलिए मैं नीचे आई थी। मैंने उससे बोला कि रात को बूंदाबांदी तो नहीं हुई है, इस पर वो चुप हो गई। दूसरे मैंने उसको ये क्वेश्चन किया कि बदमाश जो है कैसे घुसे घर में। उसने बताया कि दीवार के सहारे आए,
फिर मैंने पूछा कि किस रास्ते से गए, कि जीने के रास्ते से गए, तो दरवाजा खुला छोड़ गए होंगे कहां, तो मैंने कि जब गांव वाले आए थे तो दरवाजा बंद क्यों था, इस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उससे कहा कि जब गर्मी तुम्हारे यहाँ तो इन्वर्टर लगा हुआ है और बिजली भी है, तो गर्मी तुमको अकेले को क्यों लगी, बाकी परिवार वाले सब सो रहे थे। जी, तो इस पर भी उसने कोई जवाब संतोषजनक नहीं दिया। फिर मैंने उसको एक प्रश्न किया कि जब तुम ऊपर से नीचे आई तो जब सब चादर इनके ऊपर लेटे हुए सो रहे थे, तो तुमको इनका क्यों जल्दी पड़ा के मृत अवस्था में या जिंदा अवस्था में, इस पर भी उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तो मेरे को यह अनुभव हो गया कि जरूर कोई आदमी अंदर घर का जरूर है इस घटना में, और वो भी घर में एक लड़की बची है, हो सकता है कि इसका इसमें कोई मेरी भगत जरूर हो। इसके बाद वहां पब्लिक ने जाम लगा दिया था घटना के रोष में। मैं वहां पब्लिक वहां घटना वहां पर पहुंचकर जहाँ जाम लगा हुआ था, मेरे पहुंचते ही पब्लिक ने, क्योंकि मैं 2004 में भी वहां हसनपुर का कोतवाल रह के आया था 20 दिन, तो पब्लिक से कुछ मेरा परिचय भी हो गया था। तो उन्होंने फिर ये कहा कि आरपी गुप्ता की पोस्टिंग कर दो तो हम जाम खत्म कर देंगे। तो फिर उन्होंने आई साहब श्री गुरबचन लाल भी मौजूद थे, तो आईजी साहब ने उनकी बात मानी और आईजी साहब ने मेरे को बुलाया कि हम पब्लिक तुम्हारी मांग कर रही है तो हम तुम्हारी पोस्टिंग करे दे रहे हैं यहाँ पे एसएचओ हसनपुर। तो मेरे को एक बार तो लगा कि 7 मौतें पड़ी हुई है, डेड बॉडी पड़ी है, अगर ये केस नहीं खुलता है तो बड़ी दिक्कत होगी मेरे को। और मुख्यमंत्री का प्रोग्राम भी आ गया था, आपको मैं थोड़ा सा रोकती हूं यहां पर, जो 17 तारीख को आएंगी जिस समय इतनी बड़ी घटना हो गई जिससे पूरा देश हिल गया था, मतलब पूरी राजनीति में भूचाल सा महसूस किया जा रहा था, उस समय आपको ये केस सौंपा गया, तो आपने अपने ऊपर कोई प्रेशर महसूस किया? नहीं, थोड़ा सा मुझे लगा, लेकिन चूंकि मैं घटनास्थल पर होके आया था, लड़की शबनम से मैंने बात की थी, तो मुझे थोड़ा सा ये तो एहसास हो गया था कि ये घटना जो है खुल जानी चाहिए, लेकिन कन्फर्म 100% नहीं था। अब क्योंकि 17 तारीख को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी का भी प्रोग्राम आ गया था, क्योंकि मुख्यमंत्री थोड़ा सख्त मिजाज की रही है, उनसे ज्यादा डर था कि पता ना क्या आदेश कर जाए, अधिकारी भी थोड़े परेशान थे। तो मैंने 16 तारीख को सुबह 8 बजे थाना हसनपुर का चार्ज लिया, तो मेरे वहां एक आध दो मुखबिर थे, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा बताया कि आप सलीम को उठा लो, हो सकता है आपका केस खुल जाएगा। अच्छा, सलीम को जो है 15 तारीख को अधिकारियों ने टैकल करके छोड़ दिया था, तो मैंने मुखबिर से ये भी कहा, मैंने कि भाई ये जो इसको तो टैकल कर लिया है, इसको तो कुछ इसने बताया नहीं, बोलो साहब आप एक बार टैकल करो, हो सकता है केस खुल जाएगा, चलो हमने कि हम देखते हैं। अच्छा, इनके मोबाइल वगैरह का नंबर पता नहीं चला था, तो इसलिए कोई इनकी कॉल डिटेल भी नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि इन्होंने अपने दोनों ने मोबाइल जो है घटना से 2-3 दिन पहले खरीदे थे, नए मोबाइल खरीदे थे और सिम भी उसमें नया डाला था, तो इसलिए नंबर जो है वो। अच्छा, शबनम से हमारी हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी पूछने की, क्योंकि वो इतना बुरी तरह पश्चाताप कर रही थी, इतना रो रही थी बुरी तरह, कि हम लोग हिम्मत नहीं जुड़ा पा रहे थे कि इसको क्या कैसे इससे कैसे बात की जाए। 17 तारीख को मुख्यमंत्री जी आई, उन्होंने सब अधिकारियों से बात की, घटना के बारे में पूछा। इसके बाद मुख्यमंत्री जी जो हैं शबनम के घर पे गई, शबनम से बात करी, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इसको मदद के लिए 5 लाख रुपया देते हैं आर्थिक मदद। जब मैंने सोचा कि ये आर्थिक मदद दे रहे हैं और मेरे पे इसी पे शक है कि इसका हाथ जरूर होना चाहिए, तो मैंने फिर मुख्यमंत्री जी के पीए से बात करी, मैंने कि सर
मेरी रियल रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको 5 लाख रुपए मन दो। मुझे ये दिख रहा अब तक की विवेचना से कि शबनम का हाथ हो सकता है। इस पर उन्होंने थोड़ा सा मेरे से ये भी कहा कि आप ऐसी बात कर रहे हो, वो कैसे, वो थोड़ा सा उन्होंने फील किया। लेकिन वहां हाजी सबन साहब जो उस क्षेत्र के विधायक थे रहे थे जी। तो उनसे फिर मैंने रिक्वेस्ट की तो विधायक जी, उन्होंने विधायक जी ने फिर मुख्यमंत्री जी से बात करी तो फिर मुख्यमंत्री जी ऐसी बात मान गए। उन्होंने उसको भी आर्थिक मदद नहीं दी और लड़की से बातचीत करके मुख्यमंत्री जी जो है लखनऊ चली गई। इसके बाद मैंने 18 तारीख को सलीम को गजरौला के पास से गिरफ्तार किया। उससे पहले मैंने 16 तारीख को उसके घर पर दबिश दी थी, वो नहीं मिला था। तो सलीम के जब घर मैंने दबिश दी तो वो सीधा शबनम के पास पहुंचा था और शबनम से बोला कि कोतवाल ये थोड़ा टाइट है, ये पहले भी यहाँ रह चुका है हसनपुर में और ये मेरे यहाँ दबिश भी दे चुका है, अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो निश्चित तौर पर ये सब चीज पूछ लेगा और मुझे बताना पड़ेगा। ऐसा करते हैं कि हम दोनों जहर खा लेते हैं तो ये घटना जो है बिल्कुल शांत हो जाएगी। लेकिन शबनम ने उससे बोल दिया कि गला तेने काटा है कुल्हाड़ी से, मैं क्यों जहर खा लूं, अपना जा भाग, यहां से मैं कुछ नहीं करूंगी। इसके बाद मैंने सलीम को पकड़ा और पकड़ने के बाद में मैंने उससे इंट्रोगेट किया तो उसने मुझे बिना टॉर्चर के ही उसने पूरी मुझे घटना बता दी और अपना और सलीम का उसने मोबाइल नंबर भी बता दिया मेरे को। इसके बाद मैंने उसकी कॉल डिटेल निकाली तो शबनम और सलीम के बीच में रात को करीब 52 कॉल निकली। फिर मैं कन्फर्म हो गया कि ये इसी का हाथ है दोनों का। फिर मैंने सलीम से पूछा कि तुमने उनका गला किससे काटा है, कि कुल्हाड़ी से काटा है, तो कुल्हाड़ी कहाँ है, किस तालाब में पड़ी हुई है। मैं उसको लेकर के गया तो तालाब से कुल्हाड़ी मिल गई और उस पर खून भी लगा हुआ था। इसके बाद मैंने कहा कि तुम्हारा मोबाइल कहाँ है, तो उसने अपने घर से मोबाइल भी दिया और खून खून लगे हुए कपड़े भी उसने अपने बरामद किए, क्योंकि उसने कपड़े जो है छिपा के रख दिए थे। इसके बाद में जब उसने शबनम के बारे में बताया घटना में, तो हम शबनम को भी लेकर के आए और दोनों का आमना सामना कराया। तो शबनम ने भी पूरी घटना का इकबाल किया और घटना के बारे में बताया और उसने जो बायपोज की गोली दी थी वो खाली उसने रैपर जो है अपने घर से बरामद कराया, मोबाइल और सिम बरामद कराया और खून लगे कपड़े अपने बरामद कराए। उन 7 आदमियों का पोस्टमार्टम कराने के लिए मैं गया था अमरुआ, मैंने अपने सामने उनका 7 का पोस्टमार्टम कराया था। मैंने डॉक्टर से ये क्वेश्चन किया था, मैंने डॉक्टर साहब ये बताओ कि मुझे ये महसूस होता है कि जिस तरीके से ये डेड बॉडी जो है चारपाई में पड़ी हुई थी, कोई सुकड़न भी नहीं थी, कपड़ों पर कोई सुकड़न नहीं थी। अच्छा, किसी जिंदा आदमी को जब कुल्हाड़ी से काटा जाएगा तो निश्चित तौर पर वो तड़फड़ाएगा, ऐसी कोई बात नहीं थी। क्या इनको मारने से पहले क्या कोई नशीली चीज दी गई है? डॉक्टर साहब ने कहा 100% कोई नशीली चीज दी गई है। मैंने कहा इसका क्या कारण लग रहा है कि इन जो मृतकों की 6 मृतक हैं और जी दोस्तों लग रहा है कि गुप्ता जी का संपर्क हमसे टूट गया है, वो आपके साथ अभी सामने आपके आएंगे। तब तक मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से आरपी गुप्ता जी ने इतनी जल्दी इस केस को सॉल्व किया। देखिए कैसे उनको आज भी पूरी बात एक कहानी की तरह याद है। जी सर। हाँ, इसके बाद में जो है डॉक्टर साहब ने कहा कि इसकी खाल जो है लाल हो गई है जबकि सफेद होनी चाहिए। नहीं आ रही है गुप्ता जी, आ रही है? तस्वीर नहीं आ रही है, तस्वीर नहीं आ रही है, आवाज आ रही है? नहीं आ रही है। जी केवल दी तो रही है सर, तो आ रही है मैडम।
जी बिल्कुल, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि घटना के कितने घंटे के बाद आपको ये लगा कि शबनम ने ही ये सातों कत्ल किए हैं? ऐसा है मैडम, ये घटना 14/15 की, मैं 15 तारीख को गया था, तो 15 को जी ही जब उससे मैंने बात की और डेड बॉडी जी जो है पोस्टमार्टम कराया, तो मुझे ये कंफर्म हो गया था कि निश्चित इसमें शबनम का हाथ होना चाहिए, क्योंकि 100% नहीं, तो आदमी यही कह आपको सकता है जब थोड़ा सा सर, क्ल्यू पक्का मिल आपको ये जाए। लगा कि शबनम का हाथ होना चाहिए या किसी घर वाले का हाथ होना चाहिए? कैसा फील, क्या नहीं, फील किया आपने? घर में तो केवल एक ही आदमी बचा था ना, बाकी तो जी सबकी जी हत्या कर जी दी थी, जी तो केवल जी एक ही बचा है, तो वो क्यों नहीं मरा? जब सब सब पूरा घर मार दिया तो वो क्यों बिल्कुल नहीं बचा? तो उसका तो ये कहना था, मैं जब बदमाश आए थे मैं छत पे लेटी थी इसलिए बच गई, लेकिन ये ओ बात उसकी बिल्कुल गलत थी ना, तो मैंने जी इसी पर जी शंका जाहिर की थी। जी अब इसके जी बाद में वो उसका बिसरा हमने प्रिजर्व करवाया था सातों लोगों का। जी अच्छा, उसमें जो इसका भतीजा 11 महीने का था, जिसका पहले गला गला जो है सलीम ने दबाया था, और सलीम ये समझ के कि ये बच्चा खत्म हो गया है, तो जी सलीम जी जो चला गया था, आध घंटे बाद वो लड़का चिल्लाया, इसका जो भतीजा था 11 महीने का, वो चिल्लाया, तो शबनम ने उस सलीम को फिर टेलीफोन किया कि अच्छा मेरा भतीजा जो जिंदा रह गया है, तो हमारी योजना तो सब फेल हो गई, आप जल्दी आ जाओ, इस लड़के को दोबारा इसकी हत्या कर दो। ओ सलीम ने कहा कि मैं अब बिल्कुल नहीं आऊंगा, तू इसका गला दबा दे। फिर शबनम ने इतना जघन्य अपराध किया कि उस जी 11 महीने जी के सगे भतीजे को उसका गला दबा करके हत्या कर दी। इसके बाद में उसका बिस्तरा आगरा भिजवाया, खून आलू का जी कपड़े भिजवाए, और फॉरेंसिक रिपोर्ट पूरी क्लियर आ गई कि कपड़ों पर जो ब्लड है वो मृतकों का है, कोलाड़ी में जो खून पाया गया है वो मृतकों का है, और बिस्तरा में जो है बायपोज का नशीला पदार्थ पाया गया। इसके जी जी बाद जो है उसकी कॉल डिटेल, इसके बाद में सलीम जो है हमारे यहाँ वो हसनपुर क्षेत्र का एक ब्लॉक प्रमुख थे, अभी समय वो विधायक हैं, श्री जी खड़गवंशी साहब, महेंद्र सिंह खड़गवंशी, उस समय ब्लॉक प्रमुख थे, तो उनके जी पास सलीम गया था कि प्रमुख जी ये घटना मैंने की है, गिरफ्तार करने से पहले गया था कि ये अच्छा घटना मैंने की है और कोतवाल साहब मुझे पकड़ने के लिए घूम रहे हैं, आप मेरी मदद कर दो जिससे मैं बच गया हूं। ये बातें जो अच्छा हैं खड़गवंशी साहब ने मेरे को बताई, तो ओ मैं बिल्कुल मुतमिन हो गया था इस घटना में इसी बंदे का हाथ है। इसके बाद जो है मैंने उसमें जो है 52 दिन में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया शबनम और सलीम के खिलाफ। अब अच्छा इसमें जो है जजमेंट जो है वो 2010 में आया, उस समय जो है जिला जज श्री हुसैनी साहब थे, बड़े अच्छे जज, जिला जज थे, उन्होंने जी जो है जिस दिन जजमेंट दे रहे थे उस दिन मैं भी तारीख पर गया था, उन्होंने मुझसे कहा अंदर बुला के कि आप ये बताओ ये घटना वास्तव में सही है, खोली गई है? मैंने कहा आप मेरे पर विश्वास करें न करें, लेकिन मुलजिम दोनों को आप बुलाओ अपने सामने। अच्छा उन्होंने मुलजिमों को बुलाया और पूछा क्या ये घटना वास्तव में तुमने ये सही खोली गई है, तो दोनों मुलजिमों ने जज साहब के सामने इकबाल किया, और फिर 1 घंटे बाद दोनों मुलजिमों को फांसी की सजा दे दी गई, और फांसी देने के बाद में जजमेंट में लिखा कि कोई भी स्पष्ट साक्ष्य न होने के बावजूद भी आईओ ने इतनी बढ़िया विवेचना की है कि मेरे 30 साल के न्यायिक जीवन में इससे कोई अभी अच्छी विवेचना मुझे नहीं पाई गई। ये जज साहब लिखा। इसके बाद जो है हाई कोर्ट में अपील की गई, वहां से भी फांसी की सजा जो है बरकरार रही। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, वहां से भी फांसी की सजा बरकरार रही। इसके बाद महामहिम राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति महोदय के लिए भी उसकी अपील की गई, वहां से भी फांसी की सजा बरकरार रही। मैं बहुत से इसको सहानुभूति के तौर पर इसकी लोग मदद करना चाहते हैं, लेकिन मैं उनसे इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इससे जिस लड़की ने, जो सगी लड़की है और जिसने अपने पूरे पांच सात लोगों को हत्या कर दी, ये
भारतवर्ष की पहली घटना होगी। तो सभी लड़की ने अपने माँ बाप दोनों भाई भाभी और भुआ की लड़की और उसकी भतीजे की हत्या की हो, इससे कोई जघन्य अपराध नहीं हुआ है। जी जी। और उस समय भी लोगों ने इसको आतंकवादी घटना से भी जबरदस्त घटना माना था। जी जी जी। इसको इसको इसके संग रहम करना बेकार की चीज है, इसको जल्दी से जल्दी फांसी होनी चाहिए, जिससे समाज में इसका अच्छा संदेश जाना चाहिए, जिससे लोग जो है लड़कियों से विश्वास न हटे, क्योंकि आजकल लड़के के अपेक्षा लड़कियों पर घर वाले ज्यादा भरोसा करते ही। जी बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आपने शबनम के चचेरे भाइयों को भी पकड़ा था, फिर मतलब क्या वजह रही कि आपको उन्हें छोड़ना पड़ा? ऐसा है जी, शबनम ने क्या किया, शबनम ने ये उस्तादी चली कि इनका जो है कुछ जमीन का विवाद जो चचेरे भाइयों से चल रहा था। ओके। तो सातों भाइयों की हत्या करके इसने चचेरे भाइयों को FIR नामजद कर दी कि मेरे घर वालों को सभी को मेरे चचेरे भाइयों ने बदमाश बुलाकर और खुद मेरे परिवार के सातों लोगों की हत्या की है और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। पुलिस ने उनको अरेस्ट भी किया था, नहीं पकड़ा था, पकड़ा के थाने ले गए थे। जब मैंने चार्ज लिया तो चूंकि मुझे कुछ आवाज हो गया था कि ये नहीं है, तो मैंने उनको थाने से छोड़ दिया था और 24 घंटे में मैंने इस केस को वर्कआउट कर दिया। जी जी। एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, मैंने आपकी सारी बातें सुनी है। कई बार ऐसा होता है कि जो सबूत होते हैं सामने होते हैं लेकिन वो आंखों को धोखा भी दे जाते हैं। आपने भी अपने पुलिस कैरियर में कई ऐसे केसेस देखे होंगे, महसूस भी किया होगा कि जो चीज दिख रही है वैसी होती नहीं है। क्या कभी आपको ऐसा इस केस में, पर्टिकुलरली इस केस में ऐसा लगा? हालांकि देखिए कोर्ट ने भी ये बात अंडरलाइन करी कि आपने बहुत सलीके से और इतने कम समय में आपने बखूबी इस केस को सॉल्व किया, लेकिन क्या कभी आपको लगा कि ये जो सबूत थे कहीं मतलब कहीं से कुछ मतलब कोई आंखों का धोखा हो सकता है? ऐसा एक दिन जब मैं घटना स्थल पहुंचा था जी। तो शबनम के बयानों से ही वो खुद फंसती गई। मेरे को ये जो बात वो बता रही थी उससे मैं शुरू से ही उसकी बातों से जो है मुतमिन नहीं हुआ। उसका कहना था कि बदमाश जो है उसके साथ जीने से गए कुंडी खोल करके। जब जीने से गए कुंडी खोल करके तो शबनम ऊपर से चिल्ला रही तो जीना अंदर से कैसे बंद हो गया। दूसरा, चारपाई पर कुछ लेटे हुए हैं चादर ओढ़ करके, तो शबनम को क्या जरूरत थी जब लेटे हुए हैं तो इनको क्यों देखे रात में? उसको क्या पता था कि कोई ये मरे पड़े हैं, सो इन्हें देखने की जरूरत है? तो इस चीजें मैंने खुद अपने बातों से ही जाहिर कर दिया कि ये घटना जो है ये घर के अलावा कोई कर नहीं सकता बिना मिले। जी 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 जी। शबनम ने जो भी कहानी आपको घर के बताई उसमें धीरे धीरे वो खुद ही फंसती चले गई। हाँ, अपनी बातों से वो बिल्कुल खुद ही फंसती चली गई। और दूसरा ये है कि उसको एक्चुअली क्या है, ये प्रेग्नेंट जो ट्रेंड थी 2 महीने की, उसे बहुत दिक्कत इसलिए आ रही थी कि वो ये सोच रही थी कि मैं, लेकिन ये बात जो अगर वो शायद हो सकता है घर वालों को बता देती तो वो हो सकता है घर वाले चूंकि वो फिर मजबूर हो जाते, हो सकता है वो सलीम से शादी कर देते थे। लेकिन ये उसने अरेस्ट जब उसने गिरफ्तार किया शबनम को, ये प्रेगनेंसी वाली बात जो है उस समय भी नहीं बताई थी, लेकिन जब मैंने उसका डॉक्टरी परीक्षण करवाया तब उसमें पता चला कि ये 2 महीने की प्रेग्नेंट भी है। जी जी। अच्छा, जांच के दौरान भले ही सारे सबूत ये कह रहे हैं कि घटना को शबनम और सलीम ने ही अंजाम दिया है, चूंकि शबनम के परिवार के परिवार के पास करोड़ों की संपत्ति है, आपको भी ये कहीं ना कहीं ये लगा कि इसके पीछे प्रॉपर्टी की कोई वजह हो सकती है? जैसा कि आपने कहा कि शबनम ने भी एक कंप्लेन अपने चचेरे भाइयों के खिलाफ की थी, कहीं कुछ ऐसा आपको महसूस हुआ कहीं छोटा सा भी इस बात का? ऐसा है कि घटना जो बताई जिस तरीके से,
वो बिल्कुल स्पष्ट करती है कि इसमें चचेरे भाइयों का हाथ हो ही नहीं सकता है। जिस तरीके से कि एक लड़की का जिंदा रहना, बाकी की सबकी हत्या कर देना, और लड़की को घटना के समय अपने को छत पे बताना, और बारिश का झूठ बोलना, ये सब चीजें जो हैं वो ये स्पष्ट हो रही थी कि इसमें इनका कोई चचेरे भाइयों का हाथ। अच्छा, दूसरा भी है कि सात जमीन जो है उनके मारने से थोड़ी अगर चचेरे भाइयों का समस्या दूर हो रही थी, तो अगर उसने सातों आदमियों की हत्या कर दी चचेरे भाइयों ने, तो शबनम तो फिर भी अपना हिस्सा ले लेती, तो उतने चचेरे भाइयों को तो मिलना नहीं था। तो ये बात जो है ज्यादा विश्वसनीय नहीं थी उसकी। जी जी, इस केस को आप अपने पूरे कैरियर में, पूरे पुलिस की आपका जितना कैरियर, उसमें आप कहाँ इसको पाते हैं? क्योंकि 2008 में ये केस होता है और 2012 में आप रिटायर हो जाते हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा केस था आपके पूरे कैरियर के लिए, क्योंकि एक भारत की पहली महिला आजाद भारत में फांसी दिए जाने तक आपने उसको पहुंचाया। आप किस तरीके से पूरे सीन को लेते हैं, पूरी इस घटना को लेते हैं? ऐसा है, ये घटना जो है एक्चुअल में क्या है कि इसको ज्यादा गंभीर इसलिए हम लोगों ने माना कि लड़कियों पे घरवाले ज्यादा विश्वास करते हैं। अब भी अगर बात पूछी जाए घर वालों से, माँ बाप को, तो वो लड़की को ज्यादा प्रिफरेंस देते हैं लड़के की अपेक्षा। तो इसलिए इसको ये लड़की ने इतना बड़ा विश्वासघात किया परिवार वालों के साथ में कि उसको ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी, केवल पैसे के लालच में, क्योंकि वो उसने ये ठान लिया था कि मैं अगर इसके संग सलीम के संग शादी भी कर लूं तो मेरा कैसे रोजगार चलेगा, क्योंकि सलीम जो है वो ज्यादा बहुत गरीब घर का था। तो ये चीजें जो है उसने सोचा कि फिर जब घर, अच्छा उसको कोई अफसोस भी नहीं था इस चीजों का। जब मैंने उसको अरेस्ट किया था तो पूछा मैंने कि तुमने इतना बड़ा जघन्य अपराध किया है, सात परिवार भी पूरा, कोई भी आदमी नहीं बचा है बंदा, तो क्या तुमको इस पे पछतावा नहीं है? तो उसने, शबनम ने मेरे को स्पष्ट रूप से बता दिया कि जो मैंने किया है मुझे उस पर कोई भी पछतावा नहीं है। आज वो सीआई की जांच की डिमांड कर रही है, आप इसको कितना सही मानते हैं? एक तो ये मेरे ये जीवन की जो है सबसे टिपिकल घटना समझो इसे जो मैंने बताव किया। हालांकि वैसे मैं 6 साल जो है इंचार्ज पीलीभीत में रहा हूं आतंकवाद में, वहां भी बहुत बड़ी जबरदस्त घटनाएं मैंने देखी हैं और उनको वर्कआउट किया है मैंने, लेकिन इस घटना में सभी को पीछे छोड़ दिया। और इस घटना, अच्छा इस घटना पर मेरे को गवर्नमेंट ने जो है 2015 में यूपी का फर्स्ट विवेचना पुरस्कार भी मुझे 50,000 रुपया प्रदान किया था। उन्होंने भी इस घटना को बहुत ही जबरदस्त घटना माना, और ये जब जजमेंट सब जगह से हो गया तो गवर्नमेंट ने मेरे को 50,000 का इनाम बतौर फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन यूपी का दिया। जी 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 गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, और दर्शकों की तरफ से भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय।